नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरएन टीवी बाय रामानुजन इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि कैसे हम नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है जिस समय हम नीट का एग्जाम दे रहे हैं। सबसे पहली बात, नीट का एग्जाम या कोई भी तरह का जिंदगी में एग्जाम आप दे रहे हो तो उसे क्रैक करने के लिए उस मोमेंट पे, उन दो या तीन घंटे चार घंटे का जो समय होता है, उस समय आपका माइंड सेटअप क्या है उस पर निर्भर करता है। माइंड सेटअप को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप एक चीज़ ध्यान में रखें, वहाँ पे जाके किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग का शिकार ना बने, किसी भी तरह का दिमाग में प्रेशर ना रखें, माइंड को एकदम पीसफुल रखें, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें सोचते रहें और जो आप के भगवान है, जिन पे भी आप यकीन करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनसे कहिए कि हे ईश्वर, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया, पूरा प्रयास किया है, अब परिणाम तुम्हारे हाथ में है, मैंने मेहनत बहुत की है, मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, अब आगे की कार्रवाई आपके हाथ में है, आप जानो, आपका काम जाने। एग्जाम में जाने के बाद में जब भी आप पेपर खोलो, सबसे पहले शुरू से लेकर लास्ट तक पेपर के क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए कि पेपर का लेवल कैसा है, एक बार एक नज़रिया घुमा लीजिए तेज़ी से। 5 या 10 मिनट का आपको टाइम लगना चाहिए उस समय, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आप अपना फेवरेट जो सब्जेक्ट है उसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको बायोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है तो बायो स्टार्ट कीजिए पहले, अगर आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो फिजिक्स को स्टार्ट कीजिए। इसका कारण यह है कि एग्जाम में जो हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जब उसको हम पहले स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन करने की हैबिट जो है पेपर के दौरान वो डेवलप होने लगती है, और वो जो हैबिट होती है, वो जो कंटिन्यूटी होती है, वही हमें 2-3 घंटे तक आगे फिर मेंटेन रहती है। अगर इनिशियली हम हड़बड़ा जाएं, हमारा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, हमसे अगर क्वेश्चन ना हो, तो वही सेम पैटर्न 2-3 घंटे कंटिन्यूटी हमें मेंटेन करने को मिलता है। तो माइंड का एक नेचर होता है, वो अगर कुछ पॉजिटिव उसको मिलता है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अगर नेगेटिव कुछ मिलता है तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगता है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हमारे माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए हमें पेपर का वही सेक्शन अटैम्प्ट करना है जिसको हम अटैम्प्ट करने में पूरी तरह से कंफर्ट हो और सवालों को सही सॉल्व करें। तो ये आपको महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि अगर किसी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, तो निराश होने की जरूरत नहीं, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ें और आगे बढ़ें। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छूट रहे हैं, उस वजह से हो सकता है आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो आपके अंदर एक डर पैदा होगा, पर उस समय ये बात ध्यान रखिए कि आपको पेपर को एक ही अटैम्प्ट में पूरा नहीं करना, यानी कि एक ही लेयर में पूरा नहीं करना, आपको पेपर को लेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लेयर सिस्टम क्या है, ध्यान से समझिए। लेयर सिस्टम क्या होता है कि फर्स्ट लेयर में हम उन क्वेश्चंस को करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में या फर्स्ट रास्ते में उन क्वेश्चंस को करते हैं जो हमारे हमसे सीधा देखते ही हो पा रहे हैं, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया, हमने क्वेश्चन टिक किया, क्वेश्चन सही हो गया। दूसरी लेयर में थोड़े से टफ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पहले अटेम्प्ट में, पहली लेयर में हमसे नहीं हुए हैं, दूसरे पार्ट में हम जो थोड़े से टफ क्वेश्चन से जो पहली लेयर में नहीं, उनको अटेम्प्ट करते हैं, उनको सही करते हैं, और ऐसे ही तीसरी लेयर का भी सिलेक्शन करते हैं। तीसरी लेयर में उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे, अब उन पे आप दिमाग लगाइए जब समय बचता है। तो आपको ऐसे 3-4 लेयर में पेपर को पूरा करना है, 3-4 लेयर में पेपर को पूरा करेंगे, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ी। याद रखिए दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एक महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपके सही होने चाहिए, क्योंकि गलत क्वेश्चन कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग, एक नेगेटिव मार्किंग अगर होती है, एक क्वेश्चन भी अगर आपका गलत होता है, एक नंबर जाएगा, 4 नंबर जाएंगे टोटल, तो आपको जो नुकसान होगा 4-5 नंबर का, 1 नंबर का, 1-1 नंबर के पीछे आपको पता होना चाहिए, 3-3, 4-4 हज़ार रैंक्स जो है वो रहती है। तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जितना आता है आपको उतना ही करना है, और थोड़ा रैंक को इम्प्रूव करने के लिए सिलेक्शन के क्राइटेरिया में अगर आप आ गए हो, पहले तो आपको ये सिक्योर करना है कि आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ चुके हो, इतने क्वेश्चंस कर दिए, उसके बाद में आपको रैंक इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा सा और दिमाग की नसों को टंटोलना है,
और फाइनली जाके 3 घंटे में अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह से दे देना है कि आप एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन करवा सको। आपने जो नॉलेज गेन किया था, जो बुक्स में पढ़ा था, जो क्वेश्चंस सॉल्व करके प्रैक्टिस करके सीखा था, उसको आप पूरी तरह से एग्जाम में आउटपुट दे चुके हो, एग्जाम को सॉल्व करने में यूटिलाइज कर चुके हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखें। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, माइंड को रिलैक्स रखना है, क्वेश्चंस अटैम्प्ट जो कर रहे हो अगर नहीं हो रहा तो एक बार छोड़ दें, लेयर सिस्टम का यूज़ करें, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, उससे आपके क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ेगी। किसी भी तरह का लोड ना लें, माइंड को प्रेशराइज ना करें और रिलैक्स रहें और भगवान पे भरोसा रखें, जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है और अब जो होने वाला है वो अच्छे से ही, सब कुछ अच्छा ही होगा, बस इस बात का यकीन रखें अपने अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप्स जो हैं काम करेंगे आपके लिए, और डेफिनेटली काम करेंगे। इनको आप अपने जीवन में उतारिए। ये केवल नीट एग्जाम के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। जय हिंद, जय भारत।